हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर सैमसंग मोबाइल में कॉल आने पर रिंगटोन नहीं बज रहा है तो कैसे 100% फिक्स करें। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन नाम का, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, साउंड एंड वाइब्रेशन। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको वॉल्यूम पे आना है और यहाँ पर चेक करना है कि वॉल्यूम फुल है कि नहीं है। अगर वॉल्यूम फुल नहीं रहेगा तो देखिए, अगर पूरा कम रहेगा तब भी पता नहीं चलेगा, तो इसीलिए आपको इसे पूरा फुल कर देना है। देखिए यहाँ पर हमने सभी को फुल कर दिया। इतना करने के बाद आपको आ जाना है थोड़ा नीचे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिंगटोन का। हो सकता है ये ऑप्शन आपके फ़ोन में नीचे या ऊपर हो सकता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है रिंगटोन वाले ऑप्शन पर। फिर सिम वन सिम टू दोनों मिल जाएंगे, जिस सिम में प्रॉब्लम आ रही है उस पर क्लिक करना है या आप बारी बारी से दोनों पे क्लिक कर देना। तो हम सिम वन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिस्टम रिंगटोन काफ़ी मिल जाएंगे, आप इनमें से किसी को भी लगा सकते हैं। सबसे पहले तो जो प्रेजेंट टाइम में आपके फ़ोन में रिंगटोन लगी हुई है उसे बदल कर आपको दूसरी को लगा लेना है, दूसरे किसी रिंगटोन को एक बार लगा कर चेक करना। या फिर गाइस देखिए क्या करना है, अगर आप अपने फाइल मैनेजर के किसी गाना को लगाए हैं तो आप ऊपर आएंगे तो सेलेक्ट फ्रॉम फाइल्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से किसी भी दूसरे गाना को एक बार लगाकर चेक करना है। तो हम किसी दूसरे को लगा लेते हैं। तो गाइस इतना करने के बाद बैक आना है। फिर इसी प्रकार आप सिम टू पर भी कर सकते हैं, सिम टू पर भी चलिए हम लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों पर हमने लगा दिया। इस तरीके से आपको एक बार चेंज करना है रिंगटोन को, फिर बैक आना है मोबाइल के होम स्क्रीन पे। और देखिए सेटिंग में जाने के बाद अगर यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग ऐप में नहीं मिल रहा है तो ऊपर आप सर्च बार में क्लिक करके लिखेंगे साउंड, तो यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करके यहाँ से कर सकते हैं। अब गाइस इतना करने के बाद मोबाइल के होम स्क्रीन पर आना है और अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना है या रिबूट या रिस्टार्ट कर लेना। फिर गाइस 100% जब भी फ़ोन आएगा तो आपके फ़ोन का रिंगटोन बजेगा। तो आज के बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।